भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले टी20 में रोमांचक मैच को जीतने में नाकामयाब रही है। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका है, लेकिन अंतिम क्षणों में की गई गलतियां भारत पर भारी पड़ गई। उमेश यादव के 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, तब भी मैच दोनों तरफ से बराबर था। इस गेंद के लिए धोनी ने भी अपना एक ग्लव निकाल दिया था ताकि रन आउट का मौका बने तो उन्हें इसमें आसानी हो। हालांकि इस दौरान फिल्च को जमाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल इस गेंद के लिए लॉन्ग ऑन का फील्डर एकदम बाउंड्री पर खड़ा था, यानी ऑस्ट्रेलिया को एक रन तो आसानी से मिलना तय था और अच्छी दौड़ पर दूसरा भी मिल सकता था। उस समय कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने भी बोला कि उस फील्डर को अंदर बुला लेना चाहिए। अब आखिरी गेंद पर भी वही हुआ जिसका डर था। पैट कमिंस ने उमेश की गेंद पर सीधा शॉट खेला जिसे उमेश रोक नहीं पाए। इसके बाद उस गेंद को पकड़कर थ्रो फेंकने के लिए लॉन्ग ऑन के फील्डर ने काफी लंबी दौड़ लगाई। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी, यहां तक कि इसके बाद थ्रो भी गलत छोर पर फेंका गया जो कि धोनी की तरफ फेंका जाना चाहिए था। अगर वह फील्ड घेरे के अंदर खड़ा होता तो आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन बनता और मैच टाई हो जाता। इस लम्हे में भारत को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए।